1.5 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी वाइस के ऊपर और ये बहुत ही पॉपुलर गई थी, पर क्योंकि वो 1.5 साल पहले बनाई थी और बहुत सारे तरीके बदल चुके हैं वाइस से पेमेंट लेने के और कुछ नए नए तरीके आ चुके हैं जिससे आप बहुत इजीली वाइस से पेमेंट ले सकते हो, तो मैंने बोला क्यों ना फिर से एक और नई अपडेटेड वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो वही है, इसमें मैं आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा वाइस के ऊपर कि वाइस से कैसे पेमेंट रिसीव करना है, चाहे आपके पास वाइस का अकाउंट हो या ना हो, चाहे आपके क्लाइंट के पास वाइस का अकाउंट हो या ना हो, कैसे आप वाइस से पेमेंट ले सकते हैं बहुत ही लो चार्जेस में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, कॉपीराइट तो टेक्निकल गुरु जी का नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। चलो तो मेथड नंबर वन, इसमें आपको क्या करना है, आपको वाइस अकाउंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके क्लाइंट के पास वाइस अकाउंट है या नहीं है, आप उससे बोल सकते हो कि आपको wise.com पे जाना है, आपको wise.com पे जाना है, वहां पे जाके साइन अप करना है, उसके बाद जो भी आपको अपना जो भी प्रोसेस वो दिखाता है वो करना है, देन आपको सेंड मनी टू इंडिया पे जाना है, आपको $200, $500, $1000 जितने भी पैसे लेने हैं वहां पे वो डाल देंगे, उसके बाद सेंड मनी टू इंडिया कर देंगे, देन वो ऑटोमेटिक उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा एंड आपका एड्रेस मांगेगा जो कि आपको उन्हें प्रोवाइड करना अपना बैंक अकाउंट डिटेल। एड्रेस एक्यूरेट ना हो तो भी चलेगा, सिंपल सिंपल सा डाल दो, लाइक नोएडा उत्तर प्रदेश 20301 जो भी है, सिंपल सा डाल दो, एकदम एग्जैक्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट पैसे जो आपके घर पे नहीं आएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और स्विफ्ट कोड आपकी एक जरूरत पड़ेगी, तो आपको सर्च मारना आईसीआईसीआई बैंक स्विफ्ट कोड या एसबीआई बैंक स्विफ्ट कोड, आई थिंक ये हर बैंक का एक ही स्विफ्ट कोड होता है, ये इंटरनेशनल पेमेंट लेने के काम आता है, तो आपको स्विफ्ट कोड भी देना है। देन क्लाइंट वहां पे आपका एड्रेस और बैंक डिटेल डाल देगा और ओके कर देगा, लास्ट में आपका ईमेल डाल देगा और आपको आपके अकाउंट में एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इस मेथड में आपको वाइस अकाउंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप बिना वाइस अकाउंट के भी पैसे ले सकते हैं अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। आपके क्लाइंट के पास वाइस अकाउंट होना चाहिए या फिर वो आपको भेजते वक्त अपना वाइस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और खास बात ये कि आप क्या है कि यूपीआई का भी सपोर्ट आ गया वाइस के अंदर, तो मे भी वहां पे ऑप्शन हो यूपीआई आईडी डालने का, तो आप वहां पे अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि लाइक आपका नंबर @YBL, जो प्रॉपर करके YBL AXL इस टाइप से जो यूपीआई आईडी होती है आपको वो देना है, सिर्फ नंबर नहीं देना है। अब स्टेप नंबर टू है, इसमें आपके क्लाइंट के पास भी वाइस अकाउंट होना चाहिए और आपके पास भी वाइस अकाउंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको वाइस पे जाना, अपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, और जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पर्सनल अकाउंट क्रिएट होता है, तो आपको वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो आपने फोन नंबर ईमेल वगैरह डाला है वो होना चाहिए उसके अंदर, एंड अपना आपका बैंक अकाउंट डिटेल अटैच होनी चाहिए उसके अंदर जिसमें आप पैसे रिसीव करोगे, और फिर आपको सेटिंग में जाके इनेबल करना है कि कोई भी आपको फोन नंबर या फिर ईमेल के थ्रू पेमेंट भेज सकता है वाइस के ऊपर। तो जैसे हम पेपैल पे हमें पेमेंट रिसीव करनी होती है तो हम लोगों को अपना ईमेल शेयर करते हैं और वो ईमेल से पेमेंट भेज देते हैं, सेम वे में आपका क्लाइंट क्या करेगा, अपना वाइस अकाउंट बनाएगा, उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू पैसे भेज देगा, $200 $500 जितने भी उसको भेजने हैं वो आपको भेज देगा, और से कुछ ऐसे सेंड मनी टू इंडिया ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ईमेल डाल के आपके वाइस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जो कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नंबर तीन, इस मेथड के लिए आपके क्लाइंट के पास वाइस अकाउंट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट आपके पास वाइस अकाउंट होना चाहिए और बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो जब आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है उसके बाद आपको जाना है जो भी आपको जिस भी करेंसी में पैसे चाहिए, लाइक आप यूरोपियन क्लाइंट से ले रहे हो या फिर आप जापान के क्लाइंट से ले रहे हो पैसे या यूएस के क्लाइंट से ले रहे हो, आपको उसके अंदर वो वाले बैंक अकाउंट ओपन करने हैं, और ओपन तो एक सेकंड में लगता है, लाइक उस करेंसी को इनेबल करना है आपका, उसी का अकाउंट खुल जाएगा, देन आपको वहां से क्या करना है, अपना जैसे यूएस का क्लाइंट है तो यूएस का बैंक अकाउंट डिटेल कॉपी किया और क्लाइंट को भेज दिया, और वो नॉर्मली जैसे बैंक ट्रांसफर हम लोग करते हैं वैसे वो बैंक ट्रांसफर करके आपको पैसे भेज देगा, और वो आपकी वाइस अकाउंट के अंदर जो यूएस का बैंक अकाउंट है उसमें जमा हो जाएंगे, एंड देन वो आपको आपके इंडिया वाले बैंक अकाउंट में भेज देंगे जो आपने वाइस अकाउंट के अंदर कनेक्ट कर रखा है। सेम वे में आपको जिस भी कंट्री के क्लाइंट से पैसा लेना है उस कंट्री का आपको अकाउंट या करेंसी इनेबल करनी है, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट की डिटेल उसी के अंदर वाइस के अंदर से ही कॉपी करके उनको भेज देनी है, एंड वो अपना नॉर्मली जैसे भी बैंक ट्रांसफर करते हैं वैसे आपको बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको वाइस अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर फोर है कि आपको क्या करना है, अगर ये सब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपने वाइस का बिजनेस अकाउंट तो बनाया ही है, उसके अंदर जब आप बिजनेस अकाउंट बना लेते हो तो अंदर ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट पेमेंट, ये पेनियर के अंदर भी ऐसा ऑप्शन होता है, तो वहां पे क्या होता है आप रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करोगे, आप लिखोगे कौन सी करेंसी में पेमेंट चाहिए, आपने डाला US डॉलर, उसके आपने डाला कि आपको $1000 की पेमेंट लेनी है, $1000 लिखा,
और नीचे लास्ट में ऑप्शन था क्रिएट पेमेंट लिंक, उसको क्लिक करोगे तो एक लिंक आ जाएगी आपको, वो लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा उसको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो वाइस अकाउंट क्रिएट करके अपने बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से पेमेंट भेज सकते हैं, और नंबर टू आपका ऑप्शन रहेगा जिस भी आप करेंसी में रिसीव कर रहे हो उसका वहां पे बैंक अकाउंट डिटेल्स उनको मिल जाएगा, तो वो उस बैंक अकाउंट डिटेल्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और जब वो अपने बैंक से उस बैंक अकाउंट डिटेल पर ट्रांसफर करेंगे तो आपके वाइस के अंदर आपको पेमेंट दिख जाएगी एंड वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये चार तरीके थे जिस मेथड से आप वाइस से पेमेंट ले सकते हैं विदाउट वाइस अकाउंट, या वाइस अकाउंट क्रिएट करके बिजनेस अकाउंट, और या आपके क्लाइंट के पास चाहे वाइस अकाउंट हो या ना हो। तो अब हम जान लेते हैं कि वाइस पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वाइस पे जाके वाइस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मे बी अगर आप साइन अप कर रहे हो तो पर्सनल अकाउंट होगा वो वाइस पे। एक बार आपने पर्सनल अकाउंट बना दिया, आप ऑप्शन मिलेगा कि बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का, तो उससे बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना, वरना आप डायरेक्ट गूगल पे लिखते हो और डायरेक्ट अगर ऑप्शन मिलता है आपको वाइस बिजनेस अकाउंट बनाने का तो आप डायरेक्ट वाइस बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, तो मेरे टाइम पे मैंने पहले नॉर्मल वाइस अकाउंट बनाया, देन उसके बाद उसे वाइस बिजनेस अकाउंट में मैंने एक और उसके अंदर वाइस अकाउंट के अंदर क्रिएट करा वाइस बिजनेस अकाउंट, वहां पे ऑप्शन था एंड नाउ अब मैं किसी को भी पेमेंट लिंक भेज सकता हूँ वाइस के थ्रू। तो अगर आपके पास वाइस का बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन डायरेक्ट मिलता है तो आप डायरेक्ट अकाउंट बनाओ, अंदर अकाउंट वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड देके वेरीफाई करना है, और उसके बाद जब आपका वेरीफाई हो जाएगा विद इन वन डे आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको एक कोड दिखाई देगा स्क्रीन पे जिसे आप अपने फोन से स्कैन कर लोगे। स्कैन करने का आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना है जिसमें आपको लाइक 2 मिनट की या 1 मिनट की ऐसे मल एंगल से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है जो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी, वो आपको सबमिट करनी है एंड देन वो आपका मैच करेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है एंड आपका वाइस अकाउंट अप्रूव कर देंगे, और जब आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट तो आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। और ये चार मेथड मैंने बताए, इनमें से 2 मेथड जो है जिनमें आपको वाइस अकाउंट की जरूरत पड़ती है बिजनेस अकाउंट की जरूरत पड़ती है उसको यूज कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि वाइस से आप कितने पैसे ले सकते हैं, तो हंसी आएगी बट वाइस से आप पर डे $20 million ले सकते हैं, $20 million, पता नहीं वो दिन कब आएंगे, और साल के आप $35 million वाइस से ले सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट। आई होप वो लिमिट आप बहुत जल्दी टच करो, उसका 1% भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको वाइस समझ नहीं आया तो आप पेनीर से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।